गर्मी की छुट्टी में पत्नी गई थी अपने घर। पति ने प्रेमिका को बुलाया आवाज पर। पत्नी को लगी जब डर्टी इश्क की खबर। उतार दिया फिर इश्क के बुखार का असर। सरकारी आवास पर कोहराम मचा है। एक महिला और उसके घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस फैमिली ड्रामे की असली वजह पति पत्नी और वो वाली ही कहानी है। दरअसल इस महिला का पति जो सिंचाई विभाग में जेई है, पत्नी की गैर मौजूदगी में सरकारी आवास पर गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। जैसे ही ये बात उनके शिक्षिका पत्नी को पता चली तो अपने भाइयों और पुलिस के साथ आधम की। पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दोनों भाइयों ने अपने जीजा की ऑन द स्पॉट जमकर धुनाई की। पत्नी ने भी पति की प्रेमिका के साथ गाली गलौज की, उसे पकड़कर मारपीट की, बाल खींचे। इंजीनियर रवि मौर्य कोतवाली देहात थाना इलाके के नलकूप कॉलोनी में सिंचाई विभाग में अवर अभियंता के पद पर तैनात है। पत्नी श्रावस्ती में सरकारी शिक्षक है। पति पत्नी कोतवाली देहात के नजदीक इसी सरकारी आवास में रहते हैं। इस लड़की को कड़ा से कड़ा सबक मिले। मैंने अपने हस्बैंड के, इस रोशनी वर्मा नाम है उस लड़की का, मैंने इसके अपने हस्बैंड के नंबर कई बार इसका नोटिफिकेशन कॉल वगैरह देखा। फिर बोलते थे मेरी ऐसी दोस्त है। मैंने इसको कई बार देखा। फिर मैंने इसके बारे में तस्दीक करना शुरू किया। और इसकी इतनी हिम्मत है कि ये झांसी की रहने वाली है, वहाँ यहाँ पर आई थी, यहाँ अब रंगरेलियाँ मनाने। मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा हुआ है कमरे में दोनों को। इस वक्त गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इस वजह से विजय लक्ष्मी अपने मायके रायबरेली गई थी। पत्नी के घर पर न होने का फायदा इंजीनियर पति ने उठाया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से पति एक युवती को अपने सरकारी आवास पर लाकर रह रहा था। मुझे जैसे ही वहाँ पता चला, मैं तुरंत वहाँ से, मेरी तबीयत खराब थी, ये मुझे बीमार हालत में छोड़ के यहाँ से चला गया था, बोला अपने दोस्त के यहाँ। मुझे अपने मायके फोन किया, मैंने मायके, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, मैं वहाँ चली गई। 8-10 दिन से अपने मायके में थी। उसके बाद मुझे अचानक से पता चला कि ये किसी लड़की को वहाँ लाया। मायके में रहने के दौरान ही विजय लक्ष्मी को किसी ने सूचना दी कि उनका पति सरकारी आवास पर अपनी प्रेमिका के साथ है। फिर क्या था, शिक्षिका पत्नी ने अपने दोनों भाइयों के साथ बहराइच के कोतवाली देहात पुलिस के पास पहुंची। यहां से पुलिस को साथ लेकर घर पहुंच गई और फिर पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर वहां जमकर हंगामा हुआ। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 1 घंटे तक इंजीनियर के सरकारी आवास पर यह हंगामा चलता रहा। इस बीच कोतवाल दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर आए। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करा दिया है।